सागर जिले के बीना कस्बे की रहने वाली युवती अपने परिवार के साथ ओडिशा के जगन्नाथपुरी गई थी। एक दिन सुबह जिस होटल में युवती रुकी हुई थी वहां से उसके कपड़े नीचे गिर गए थे। वह अपने कपड़े लेने होटल के नीचे गई और फिर वापस नहीं लौटी। परिजन ने खोजा लेकिन वह नहीं मिली। 3 दिन बाद उसकी लाश समुद्र किनारे अधजली और सड़ी हुई हालत में मिली। ओडिशा पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की और ना ही युवती के शव को परिजनों को सुपुर्द किया। परेशान परिजन मंगलवार को भोपाल में सीएम से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, लेकिन सीएम से परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद युवती के परिजन भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बंगले पर पहुंचे। प्रज्ञा ठाकुर परिजनों के साथ रविंद्र भवन पहुंची, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री का कार्यक्रम खत्म होने के बाद जैसे ही सीएम उनके साथ जाने लगे, सांसद प्रज्ञा ने उन्हें रोक लिया और बीना की युवती की ओडिशा में हत्या होने की घटना के बारे में बताया। रविंद्र भवन की भीड़ भाड़ में युवती के परिजन सीएम से नहीं मिल सके, लेकिन सीएम ने कहा कि इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा और परिजनों से सुबह सीएम हाउस में मुलाकात करेंगे। पत्रकारों से चर्चा में सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, उड़ीसा में हुए इस जघन्य हत्याकांड के बाद वहां की पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। लड़की का शव अब तक नहीं मिल पाया है। हमने पूरी घटना के बारे में मुख्यमंत्री को बताया है, उन्होंने मदद का भरोसा दिया है। आज सीहोर गौरव दिवस का कार्यक्रम खत्म होने के बाद लड़की के परिवार के साथ सीएम हाउस में मुख्यमंत्री जी से हम मिलने जाएंगे। हमारी मांग है कि इस जघन्य हत्याकांड की CBI जाँच हो। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मध्य प्रदेश सरकार के अफसरों ने उड़ीसा सरकार और पूरी जिला प्रशासन और पुलिस से देर रात चर्चा की। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अफसरों की चर्चा के बाद युवती का पुरी के में अंतिम संस्कार कराने की बात हुई है। युवती का शव सड़ने के कारण उसके शरीर में कीड़े हो गए हैं, लिहाजा उसे पुरी से बीना तक लाना संभव नहीं है। ऐसे में अंतिम संस्कार पुरी में ही कराया जाएगा। मामला सागर जिले के बीना का है। युवती के भाई ने पूरा घटनाक्रम बताया। उसने बताया कि 19 नवंबर को वह और उसके माता पिता, बड़ी बहन और रिश्तेदार के साथ गाँव के कुछ और लोग जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए रवाना हुए थे। 21 नवंबर को हम वहां पहुंच गए। हम सिटी रोड क्षेत्र स्थित शांति पैलेस नाम के होटल में रुके। 23 नवंबर की सुबह 5:42 पर कमरे की बालकनी से कपड़े नीचे गिर गए थे। बहन उसे लेने नीचे गई। काफी देर बाद वह नहीं लौटी तो हम लोगों ने सोचा कि चाचा के साथ मंदिर चली गई होगी। बीना की एक लड़की, वो अपने माता पिता के साथ उड़ीसा गई थी दर्शन करने के लिए, और वो अपने होटल में रात को कोई कपड़ा गिर गया, वो नीचे आती है, उसका अपहरण हो जाता है, वो गायब रहती है। उसके बाद जब उसकी डेड बॉडी मिलती है तो वो समुद्र में पाई जाती है, जिसके ऊपर तेजाब डला हुआ था, उंगली कटी हुई थी, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था और कीड़े पड़ गए उसकी बॉडी में, और बॉडी अभी तक वहाँ की पुलिस नहीं दे रही है। और ये बीना का मामला है तो वो बच्चे, उसके भाई हमारे पास आए और इसलिए माननीय CM साहब से मैंने बात की। उन्होंने गौरव दिवस के कार्यक्रम के तुरंत पश्चात CM हाउस उन बच्चों को बुलाया है। मैं उनको लेकर के जाऊंगी और उस बच्ची को न्याय मिले, उसके माता पिता को उनका शव मिल जाए उस बच्ची का, जिससे वो उसका अंतिम संस्कार कर सकें। उड़ीसा सरकार बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है, वहाँ की पुलिस बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए माननीय CM साहब हमारे सहयोग करेंगे और वहाँ से उसका शव लेकर के आने के CBI जाँच की मांग की है और होना ही चाहिए। ये तो बहुत ही विभत्सकृत किया है उन लोगों ने।